प्रयागराज हमने इलाहाबाद का नाम रखा है, परंतु बोलचाल की भाषा में इलाहाबाद ही होता है। और इंडिया नाम को दे के चले गए तो इसमें क्या हो गया? भारत है तो भारतीय ही है अपन। इंडिया भारत का नाम मुद्दा नहीं है, इसलिए सब मिलके मुद्दा बना रहे हैं। इन्होंने सही बताया कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, तो इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा लिया है कि भारत नहीं बोलना है। देश में अभी हाल ही में एक नई बहस छिड़ी है इंडिया और भारत को लेकर। दोनों ही पार्टियां इसको लेकर के अलग अलग जो है व्यू व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ जोधपुर शहर के मौजूद व्यक्ति हैं, हम उनसे जानेंगे कि इंडिया और भारत इसको लेकर जो जंग छिड़ी है, आपका क्या मानना है कि इस तरीके से जो भारत किया जा रहा है, आप क्या मानते हैं कि होना चाहिए कि नहीं? देखिए, इसके दो पक्ष हैं, मैं दोनों पक्षों पे बात करना चाहूँगा। अगर हम भारत की बात करें तो आपने देखा हमारे सभी जगहों पे हमारे बच्चों के भी निकनेम होते हैं और बहुत सारे नाम होते हैं, परंतु स्कूल में या एक जगह एक नाम ऐसा चाहिए स्थाई जिसका प्रयोग नहीं हो। अगर हम नागरिकता का फॉर्म इंडियन इंग्लिश में भरते तो इंडियन लिखते हैं और हिंदी में भरे तो भारतीय लिखते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है जिसको देख के केंद्र सरकार ने कहा है कि एक राइटिंग के स्तर पे एक ही नाम होना चाहिए। बाकी तो दो नाम है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया इंडिया ही रहेगा। अब मैं बात करूं कि कोलंबस ने ढूंढा, सर्च किया और वो भारत की जगह अमेरिका पहुंच गया। वहां पे जो लोग आए वो उसको लाल दिखाई दिए तो उसने कहा तो ये तो इंडियंस है शायद, इसका मतलब इंडियंस तो रेड है, रेड इंडियन अमेरिका का नाम पड़ गया। आज भी अमेरिकन को रेड इंडियन कहा जाता है, तो अब वो रेड भारतीय तो नहीं होंगे, वो रेड इंडियन ही रहेंगे। तो नाम तो आप कितना ही परिवर्तित कर दो, प्रयागराज हमने इलाहाबाद का नाम रखा है, परंतु बोलचाल की भाषा में इलाहाबाद ही होता है। हाँ, यहाँ पे मैं जो दूसरा पक्ष ये कह रहा हूँ कि टेक्निकली एक नाम होने से हमें जो विरोधाभास है, हम बाहर जाके इंडिया के हैं वहाँ जाके भारत के, तो एक ही नाम के साथ रहे। बाकी निकनेम के रूप में तो हजारों नाम है, चलते रहेंगे, हम भारत के सपूत है, अपने किसी भी रूप में पहचान स्थापित कराएंगे। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब के नामकरण पे ज़्यादा विवाद ना करें। ये जैसे नाम है चलते रहें बोलती भाषा में। आपको पता मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि अगर कैमरे का शब्द अगर इंग्लिश में कैमरा है और हिंदी में उसका कोई दूसरा नाम नहीं है तो हमें उसी को उसी रूप में ले लेना चाहिए। भाषा की सहिष्णुता को उन्होंने सिद्ध किया था और स्वीकार भी किया था, तो हमें सहिष्णु होकर इंडिया को भी स्वीकार करना है, बस राइटिंग में हमें भारत को काम में लेना। अच्छा, कई राजनेता ये भी कह रहे हैं कि मतलब तमाम पार्टियाँ जो मिल के अलायंस किया था और उसका नाम इंडिया किया गया, इस वजह से जो है देश की सरकार से जो है इंडिया की बदलकर भारत करी, क्या मानते हैं कि इस तरीके से जो है डिसीजन साधारण से लिए जा सकते हैं? अगर लेबिल है तो मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, ये तो कहना पड़ेगा, परंतु इनसे फर्क नहीं पड़ता। मैं भारतीय मतदाता का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, वो बहुत मैच्योर है, वो दिल्ली में 100% सीटें अगर आपको देता है तो 100% लोकसभा के चुनावों में वो भारतीय जनता पार्टी को भी देता है। यहाँ एक साथ किसी भी रूप में किसी भी चीज को बिठा दिया जाए, भारतीय मतदाता की परिपक्वता है कि चाहे इंडिया है चाहे भारत है, उसे जो जिस में निर्णय लेना है वो ही लेगा। अच्छा, आपका क्या मानना है कि जो ये इंडिया की बजाय भारत किया जा रहा है, आपका क्या मानना होना चाहिए कि मतलब इस पे बहस जो छिड़ी है, जो कहीं ना कहीं इस पे बहस छिड़ना तो कोई विषय ही नहीं है, होना ही चाहिए। इसमें क्या हो गया, आज अपन जैसे कोई अब्रॉड जाते हैं तो फॉरेन में अपन को क्या कहते हैं कि ये भारतीय है, ठीक है, तो आखिरकार हम जनजातीय भारतीय ही हैं और इंडिया नाम को दे के चले गए तो इसमें क्या हो गया, भारत है तो भारतीय ही हैं अपन, तो इसमें तो कोई इशू क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो भेड़िए एक साथ इकट्ठे हुए थे, उनको समस्या है कि अब वो चुनाव में सब जगह से सफाई के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसलिए वो भेड़िए सब इकट्ठे होके, क्या भेड़ियों का काम होता है झुंड में आना, और फिर डर के भी वो जल्दी जाते हैं, तो इसलिए उनको डर है मोदी जी का, तो वो रोज रोज कुछ ना कुछ बाकी इशू बने, जैसी कोई चीज ही नहीं है। आज अपन क्या है, भारतीय तो है, आज इंडिया भारतीय है तो भारतीय ही है अपन, तो कोई उसमें कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष के जो कांग्रेस के नेता है और अन्य नेता है, उनको एक विषय चाहिए तो वो विषय को बनाना चाहते हैं, पर जनता पूरी होशियार है, जनता को खुद को पता है हम जन्म जाते भारतीय हैं, तो भारतीय करने में क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसको करने के लिए कई चीज़ों का बदलाव भी करना पड़ेगा, तो आप मानते हैं कि उस चीज़ों को बदलाव के लिए समय लगेगा या किस तरीके से होगा, क्या होगा? देखिए, ये नरेंद्र जी मोदी की जो सोच है वो सब प्री प्लान करके करते हैं, कोई भी समस्या नहीं देने आने देना चाहते। बड़े बड़े जब डिसीजन लिए गए उनमें समस्या नहीं आई तो फिर इसमें तो कोई विषय ही नहीं है कि कोई चीज की समस्या आएगी, सब स्मूथनेस में एकदम से पक्का एकदम परफेक्ट होगा। आप क्या मानते हैं जो इंडिया भारत किया जा रहा है, इस पे जो विवाद हो रहा है
वो जायज है या ठीक नहीं है ये भी बात? नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम से, प्राचीन काल से भारत हम बोल रहे हैं, भारतीय ही बोल रहे हैं सब जगह, विदेशों में अपन कोई मैच भी होता है भारत पाकिस्तान बोलते हैं, और मतलब हम स्कूल टाइम से भारत भारत तो सब भारतीय लिख रहे हैं सब कुछ, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। इनको अभी मुद्दे मिल रहे नहीं है तो ये इतना सा नाम का ले लिया इंडिया भारत का नाम, मुद्दा मतलब मुद्दा नहीं है, इसलिए ये सब मिलके मुद्दा बना रहे हैं। आप क्या मानते हैं, इस चीज़ को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, इसका इतना मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, जैसे हम बचपन से ही भारत ही बोलते हैं, तो ये अभी इन्होंने सही बताया कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, तो इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा लिया है कि भारत नहीं बोलना है, तो मेरे हिसाब से भारत रहना चाहिए नाम, ये बहुत अच्छी पहल है मोदी जी की रहना। लेकिन ये जो मैटर आया था वो एक राष्ट्रपति के एक जो इनविटेशन था उसके ऊपर आने के बाद ये जो है मुद्दा ज़्यादा हावी हुआ है, तो आप क्या मानते हैं कि राष्ट्रपति ने एकदम से अपने जो लेटर पैड पे इस तरीके से इंडिया से भारत किया है? वो तो राष्ट्रपति के लेटर पैड पे जो इंडिया से भारत हुआ है, ये जो परसों जो निर्णय दिया गया था उसके कारण से आप संकेत मानते हैं? नहीं, संकेत नहीं है, जब एक निर्णय सरकार ने कर दिया है कि इसे भारत कहा जाएगा इस राष्ट्र को, तो नेचुरल है कि एक बार तो चाहे कोई भी व्यक्ति उसको अपने लेटर पैड पे भारत ही लिखा जाएगा, वो अपने देश की जो भी निर्णय है, जो नियम है, जो बात कही गई, देश ने विधि सम्मत कोई पक्ष रख दिया गया है, तो उसको स्वीकार करने का ये एक संदेश मात्र है, बाकी इसको संकेत नहीं कहेंगे, संकेत कुछ भी नहीं है, ये बस राष्ट्र के साथ रहना है। मुझे हेलमेट लगाना पसंद है या नहीं है, अगर मेरा हेलमेट लगाना अनिवार्य था तो मुझे लगा के जाना पड़ेगा, बस ये वही इतनी स्थिति है। अच्छा, जिस तरीके से अभी जो मोदी सरकार इस तरह का जो नया बदलाव ला रही है, इस बदलाव से क्या कोई नया इफेक्ट पड़ेगा? नया इफेक्ट तो देखो, एक जो अपन के देश के प्रति जो अपनी जो है वो सोच बढ़ेगी, और ये एक अच्छा ही इम्पैक्ट है कि भाई अपन को दो नाम कंफ्यूजिंग नहीं होके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की मोदी जी की ये पहल है, तो ये बहुत ही अच्छी है।